दंगों के आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले वकील महमूद प्राचा का सच सामने आ चुका है। जो पहले किस तरीके से जिहादियों को बचा रहे थे और आज अपनी जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा, इन लोगों पर किस तरीके से अटैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी ये मानसिकता दिखा रहे हैं कि वो किस विशेष समुदाय से आते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे। आतंकियों का केस लड़ने वाले संविधान की दुहाई दे रहे हैं और किस तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं। हर हिंदू को इनका असली चेहरा देखना चाहिए ताकि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा अब्दुल वैसा नहीं है जैसा सबका अब्दुल है, तो उन्हें पता चल सके कि सबका अब्दुल एक जैसा ही है। जो संविधान की दुहाई देते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी मानसिकता किस तरीके की है और किस तरीके से जहर भरा हुआ है, इस पूरे 8 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूँ, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें? उन्हें सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये समझ लीजिए आप, उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाईजैक कर ली हैं। उन्होंने हम लोगों के, खास तौर पे एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी के जितनी टॉप लीडरशिप है सब हाईजैक कर ली। इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर से गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, समझ लीजिए आप, ये गद्दार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए उन गद्दारों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है। आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को और उनको पनिश कीजिए, उनका सोशल बायकॉट कीजिए। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट का रास्ता जब है, जब हम बहुत सारे केसेस रोज ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, हम मल्टीपल केसेस ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जगह पे करें, एक एक आइडेंटिफाई करें आरएसएस के कार्यकर्ता को कि कौन स्कूटर पे चलता था और आज मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस करें, ये एक काम करना होगा हमें। दूसरा, अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना, हमारी ताकत क्या है? आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं क्या हूँ, एक छोटा सा अदना सा वकील हूँ, आज लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत है। नहीं तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं चूं भी कर जाऊं इन लोगों के सामने, ये समझ लीजिए आप। और ये बात तस्लीम हमारे सारे एमपी एमएलएस, बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर्स को करना चाहिए, उनकी अपनी जाती हैसियत और औकात किसी की नहीं है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। आज अगर हम लोग इतनी जोर से बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे लोगों की ताकत है, उसकी वजह से हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो अपने आप को जितना बड़ा लीडर समझता है, उसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए आज। और जो ऐसा नहीं करता, जो इसके लिए बहानेबाजी करता है, मसलियत बताता है कि मसलियतन जो है ना, लफ्ज बोलने वाला गद्दार है। मसलियतन ये नहीं बोलेंगे कि मैं जेल जा रहा हूँ, मसलियतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, गद्दार बेईमान, ये हमें बोलना पड़ेगा खुल के, एक बात। दूसरी बात, ये हमारा सबसे पहला इशू आर्टिकल 1 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 क्या है? भारत की जो सीमाएं है ना, उसको अक्षुण रखना। चाइना 2000 किलोमीटर हमारी जगह खा गया है। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, दो मुद्दे हमारे शुरुआत के होने चाहिए। और हमें होम मिनिस्टर का, हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव इस बात पे करना चाहिए कि चाइना से हमारे देश की सेना अपनी जमीन वापस लेने के लिए बेकरार है, तुम डरपोक हो जो उन्हें रोक रहे हो, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए। ये आर्टिकल 1 है, इसके लिए करें। और आगे जाके गोली खाएं, इसके बाद क्या, 2000 किलोमीटर हमारी, जिसको अलग अलग जबानों से हम कहते हैं, कोई भारत माता कहता है, हम भारत देश कहते हैं, उसमें से 2000 किलोमीटर कोई ले गया और हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करेंगे? नहीं, या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या वो 2000 किलोमीटर वापस लेंगे, नहीं तो हम मार्च
जांच करके हम खुद जाके वापस लेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा इस वक्त जो है वो है मणिपुर। अगर मणिपुर के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है, यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, अरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये दो संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, अमित शाह साहब के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ मिलके मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है, वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। जब तक हम इस बात के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अभी चल रही है उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। बात एक दो महीने में आई गई हो जाएगी, उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आर्टिकल फर्स्ट नंबर वन बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि आरएसएस ने, अमित शाह साहब ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ये प्लानिंग करके अपने कार्डर्स से कराया, कोई मैथी समाज ने नहीं किया है, उनके कार्डर्स ने किया है। गुड़गांव में और नूह में उनके कार्डर्स ने सब किया है, गुजरात में उनके कार्डर्स ने सब कुछ किया है, और दिल्ली के दंगों में हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि आम आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनके कार्डर्स और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने ये सब काम किया है। यही हमें करना पड़ेगा। मणिपुर के लिए प्लान बनाइए कि हम लोग वहां जाएं और एक्सपोज करें कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अब, और उसमें अमित शाह साहब सबसे बड़े चाणक्य हैं। उनको अरेस्ट कराने के लिए जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, मणिपुर का कुछ भला नहीं हो सकता। मैं ये बात दावे और गारंटी से कह रहा हूं। He is the main mastermind, Mr. अमित शाह। वो वहां जाके बैठे ही इसलिए थे कि उन्होंने ये सब प्लानिंग करनी थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, वरना भारत के होम मिनिस्टर में इतनी ताकत होती है चेयर में, चाहे कोई डफर भी बैठ जाए उस पे। अमित शाह साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डफर वर्ड उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अगर कोई डफर भी बैठ जाए, भारत के होम मिनिस्टर की चेयर में इतनी ताकत होती है कि सब शांति वहां पे एक दिन में हो जाए। लेकिन जो होम मिनिस्टर वहां अपनी प्लानिंग ही करने गया था, इम्प्लीमेंटेशन देखने गया था गुजरात मॉडल की, वो उससे क्या उम्मीद करते हो? आज तक किसी आदमी ने ये बोला है कि अमित शाह इज द मेन मास्टरमाइंड ऑफ मणिपुर? नहीं बोला। यही हमारी कमी। तो मेरी यही गुजारिश है, एक तो जेल जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही बोले कि मैं लीडर हूं, वरना वो गद्दार है, मेरा ये मानना है। बाकी अपनी अलग अलग राय सबकी हो सकती है, यही एक टेस्ट है। अच्छी से अच्छी बात कोई भी कर सकता है। एक से बढ़कर एक स्पीच देने वाले, एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले हम लोगों में भी हैं और आरएसएस में भी हैं। जबान की वैल्यू आजकल जीरो हो गई। सड़क पे आए, गोली खाएं, तब बताएं कि मैं लीडर हूं, वरना मैं गद्दार हूं, ये बात तय है। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं आज इसी वक्त से, और जब आप लोग दावत देंगे कि गोली खाने के लिए सबसे आगे मैं रहूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान जो अपने आप को लीडर कहना चाहता है, वो गोली खाने के लिए, इस वक्त देश बचाना है तो गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह साहब को मणिपुर के लिए अरेस्ट कराना जरूरी है, इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी जहां भी सर्विसेज आपको दरकार होंगी, मैं वॉलंटियर करता हूं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।